अपडेट्स, काउंसलिंग, टीचिंग यहाँ मिलेगा सब. स्टूडेंट्स जस्ट प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब महामना एजुकेशन हब. अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार. मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं. तो दोस्तों, मित्रों, साथियों, इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश कम्युनिकेशन का लेसन 2 यहां पर लेकर आया हूं. और इसमें मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि मान लिया जाए आपको बिल्कुल ही अंग्रेजी बोलने नहीं आती है तो उसके लिए क्या करें. पिछले जो पहला अध्याय रहा था, पहला लेसन था, उसमें हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताई थी, सजेशन दिए थे. लेकिन इसमें अब आपकी शुरुआत होगी कि किस तरीके से आखिर शुरुआत करें. और मैं बेसिक से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसमें बहुत ही कम जानते होंगे, कुछ लोग बहुत अच्छा जानते होंगे, बट स्टिल जो बहुत अच्छा जानते हैं उनको भी शायद कुछ सीखने को मिल जाए. तो पहला जो सजेशन है, योर फर्स्ट स्टेप टू इंग्लिश कम्युनिकेशन इज स्टार्ट रिहर्सिंग और प्रैक्टिसिंग अबाउट योर इंट्रोडक्शन. देखिए, सबसे अच्छी बात या सबसे ज्यादा आप किसके बारे में जानते हैं, किसके बारे में जानते हैं? अपने बारे में. इट इज यू हु नोज ऑलमोस्ट एवरीथिंग अबाउट यू. आपके बारे में दूसरा आपसे ज्यादा नहीं जान सकता. आप अपने बारे में, अपने माता पिता के बारे में, कहां से बिलोंग करते हैं, क्या आप बनना चाहते हैं, क्या एम्बिशन है, क्या एम है, क्या क्वालिटीज हैं आप में, ये सब कुछ आपको पता है या नहीं पता है. मान लिया जाए कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में होगा तो थोड़ा सा बैठ करके सोचिए उसे, और उस चीज को इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे भी जॉट इट डाउन, नोट इट डाउन इन अ नोटबुक. ऑलराइट. और फिर एक खाका तैयार कीजिए, एक कुछ लाइंस या कुछ पंक्तियां तैयार कीजिए इंग्लिश में जो आपको बयां करती हो. इंट्रोडक्शन, जैसे इंट्रोडक्शन में बहुत लोग ये गलतियां करते हैं कि माइसेल्फ कुंदन कुमार, ऐसा नहीं होता. माइसेल्फ नहीं होता कभी भी, आई कुंदन कुमार सिंह. माइसेल्फ नहीं होता, माइसेल्फ सो एंड सो नहीं होता. ऑलराइट. तो जब भी आप स्टार्ट करते हैं किसी भी जगह पे इंट्रोडक्शन अपना, किसी भी बड़े जगह पे, छोटे जगह पे, किसी दोस्त से, तो आप माइसेल्फ मत बोलिएगा, बोलिएगा आई या माय नेम इज सो एंड सो. यहां से स्टार्ट करते हैं क्योंकि सबसे पहले नाम ही होता है. दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन. दैट इज द वेरी फर्स्ट सेंटेंस यू स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन, इजंट इट. तो ये हुआ. फिर इसके बाद माई नेम इज दिस, माई फादर्स नेम, माई मदर्स नेम. आपके पिताजी क्या करते हैं, वेदर ही इज अ फार्मर और ही इज अ बिजनेसमैन और ही इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, एनीथिंग. योर मदर, देखिए मैक्सिमम मदर में जो हाउस वाइफ यूज करते हैं दैट डजेंट साउंड वेरी गुड. तो हाउस वाइफ की जगह में एक वर्ड है होम मेकर. होम मेकर जो घर को बनाती है, जो घर को संवारती है, दैट इज नो बडी बट योर मदर, इजंट इट. तो ये कहिएगा कि माई मदर इज अ टीचर और हाउस वाइफ होगी, तो हाउस वाइफ की जगह में आप होम मेकर यूज कीजिएगा. होम मेकर इज अ वेरी गुड वर्ड एंड इट साउंड्स वेरी पॉजिटिव, तो ये जरूर यूज कीजिएगा. इसके बाद आई बिलोंग टू, मतलब आप कहां रहते हैं या कहां से आते हैं. आई बिलोंग टू बिहार औरंगाबाद, इजंट इट. आप कहीं बनारस से हो तो आई बिलोंग टू वाराणसी, ऐसे कहेंगे. फिर इसके बाद आप आगे क्या बनना चाहते हैं. ऑलराइट. या फिर आप ये भी इंक्लूड कर सकते हैं अभी तक की अपनी एजुकेशन, कि आई हैव डन माय क्लास 12 और आई हैव कंप्लीटेड माय स्कूलिंग फ्रॉम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चैल शिमला हिल्स हिमाचल प्रदेश. और आप के बारे में कहना हो तो आई हैव डन और आई हैव कंप्लीटेड माय स्कूलिंग फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय वाराणसी, ऐसा कह लेंगे. ऑलराइट. तो ये हुआ, ये छोटा इंट्रोडक्शन. फिर आप आगे बनना क्या चाहते हैं, कि माय एम इज टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर और आर्मी ऑफिसर, नेवल ऑफिसर, एयरफोर्स ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर, कुछ भी बनना होगा, इजंट इट. बैंकिंग में जाना होगा, तो ये सब सारी चीजें आप बोलेंगे. ये हो लिया. इसके बाद आपके पास क्वालिटीज क्या क्या हैं, आप बता सकते हैं अपने बारे में, कि आई प्ले फुटबॉल, या ऐसे शुरू कर सकते हैं कि अबाउट कमिंग टू गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आई प्ले फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, स्विमिंग, एनीथिंग यू कैन इंक्लूड. को करिकुलर एक्टिविटीज को भी इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज में आपकी आती है जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल से संबंधित बहुत सारी चीजें जैसे आप करते हैं, जैसे कि क्विज हो गया. ऑलराइट.
जीके एनसीए क्विज, इसके अलावा डिक्लामेशन, एलोक्यूशन या डिबेट, एक्सटेम्पो, इन सब चीजों में अगर आपने कभी पार्टिसिपेट किया होगा, ड्रामा में पार्टिसिपेट किया होगा, तो यू कैन इंक्लूड इट इन योर इंट्रोडक्शन। और अगर ये आपकी अचीवमेंट जो है ज्यादा होगी, मतलब नेशनल लेवल पे प्रेजेंट किया होगा आपने, या फिर क्या कहते हैं कि स्टेट लेवल पे खेले होंगे, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन खेले होंगे, तो इन सब चीजों को आप अपने इंट्रोडक्शन में पहले रखते हैं, बिकॉज इट लिव्स वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द लिसनर्स। ऑलराइट, तो ये कीजिए, ये करेंगे धीरे धीरे तो हो जाएगा। सबसे पहले अपने बारे में लिखना शुरू कीजिए, मतलब ये तो आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, और ये अगर लिस्ट बनाना शुरू करें तो कम से कम 10 से 15 लाइन की तो हर किसी का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, तो अच्छा होगा। जितना बड़ा इंट्रोडक्शन होगा तो मैक्सिमम चीजें आप किसी के सामने बोल पाएंगे, या फिर इंटरव्यू में जाते हैं कल को तो वो भी आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, क्योंकि इंटरव्यूअर जो आपसे क्वेश्चन शुरू करता है पूछना, वो आप जो बताते हैं अपने बारे में, और मैक्सिमम इंटरव्यूज में जो पहला क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का, वो आपसे ही रिलेटेड होता है। सिंपली दे विल आस्क ओके कुंदन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, ऐसे पूछ लेंगे। तो आपको बताना पड़ेगा, जितनी चीजें आप जानते होंगे अपने बारे में, यू हैव टू टेल हिम एवरीथिंग। और पैनल बैठा होगा तो सभी लोग, मतलब 4-5 लोग बैठे होते हैं कुछ क्या कहते हैं इंटरव्यूज में, तो आपको शुरू करना होगा ऐसे कि सब कुछ आपको बताना होगा, और इसकी फ्लुएंसी इस तरीके से होनी चाहिए जैसे एकदम ठक ठक ठक, जैसे माय नेम इज दिस दिस दिस, आई बिलोंग टू दिस, माय फादर्स नेम इज दिस, माय मदर्स नेम इज दिस, शी इज अ होम मेकर, माय फादर इज अ फार्मर, ऑलराइट, आई वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आई वांट टू बिकम अ बैंक सर्विस ऑफिसर, ऐसे। तो इन सब सारी चीजों को, आई प्ले फुटबॉल, कबड्डी, टेबल टेनिस, इसके अलावा बहुत सारे और भी स्किल्स होते हैं आपके, तो वो बताइए, स्किल्स जरूर बताइएगा, जितनी चीजें आपने अचीव की होगी अपनी जिंदगी में वो जरूर बताइएगा, बिकॉज इट लिव्स अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यूअर, या किसी के सामने भी अगर बताना होगा आपको तो समझता है यस दिस गाय इज समथिंग, और ये अपने बारे में जानता है, बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू लुक फॉर द कैंडिडेट हु नोज वेरी वेरी वेल अबाउट हिमसेल्फ। ऑलराइट, तो ये जरूरी है बहुत ज्यादा। इसके अलावा जो भी बिगनर्स हैं और इवन जो बहुत अच्छा जानते हैं, उनके लिए स्पेशल सजेशन है कि रात में सोने से पहले, जस्ट बिफोर गोइंग टू योर बेड, यू हैव टू मेक अ डायरी एंट्री। डायरी एंट्री क्या होती है कि कोई भी डायरी है या कॉपी है, उसमें आपने पूरे दिन भर में सुबह उठने से अभी तक सोने से पहले तक क्या क्या किया, एक एक स्टेप काइंडली राइट इट डाउन इन इंग्लिश। हो सकता है कुछ बिगनर्स होंगे, उनको समझ नहीं आए, ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो सब चीजें मैं बताऊंगा आपको आगे चलते हुए, लेकिन पहले यहां से शुरू कीजिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर इन कॉलेज, और मैं समझता हूं कि कुछ चीजें तो बहुत सारी आती भी होंगी आपको, बहुत सारे लोग हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी होंगे, बट स्टिल दे माइट बी नोइंग फ्यू वर्ड्स ऑफ इंग्लिश, और एटलीस्ट वो इंट्रोडक्शन तो जान ही सकते हैं, अपने दिन भर में क्या किया उसको तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख ही सकते हैं, तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखेंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। धीरे धीरे ये काम रोज करना है, रोज करना है, रोज करना है, कभी भी इसको स्किप नहीं करना है, चाहे कहीं भी आप ट्रेवल भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसको लिखिए। कुछ भी नया एक्सपीरियंस कर लिया आप, मान लिया जाए घाट गए घूमने, बनारस में, दिल्ली में कुतुब मीनार चले गए या इंडिया गेट चले गए, तो उन सब चीजों को भी लिखिए। इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज में आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो और संगम के पास गए, तो संगम में क्या देखा, क्या फील किया, व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दैट पर्टिकुलर होली प्लेस अलाहाबाद और प्रयागराज, तो उसके बारे में काइंडली जॉट इट डाउन, काइंडली मेक अ नोट ऑन इट, और दैट टू इन इंग्लिश। इंग्लिश में लिखेंगे तो आपकी अंग्रेजी धीरे धीरे सुधरती चले जाएगी, बिकॉज हम लिखते वही है जो हम सोचते हैं, और जब आप सोचते हैं तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपके जहन में होती है, और फिर जब आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल की बात करते हैं, जब बोलना शुरू करते हैं, तो वो चीजें धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाती है, एंड देन योर फ्लुएंसी बिकम्स वेरी वेरी गुड। इसके अलावा कम से कम हर दिन 2 नए अंग्रेजी के वर्ड कहीं से भी, चाहे न्यूज़पेपर से उठाइए, किसी डिक्शनरी से उठा लीजिए, किसी मैगजीन से उठा लीजिए, किसी नॉवल से उठा लीजिए, या फिर अपने मोबाइल फोन में ही देख लीजिए, उसमें भी डिक्शनरी होती है, तो उसमें भी आप करके उसे लिखिए और उसे हमेशा और हमेशा के लिए याद कीजिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि हैव अ स्मॉल डायरी, एक पॉकेट डायरी रखिए अपने पास में, और उसमें वो चीजें लिखना शुरू कीजिए, वर्ड मीनिंग, और जब भी समय मिलता है जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट डायरी,
तो ऐसे दिन भर में अगर 5 बार देख लेंगे एक वर्ड को, तो वो वर्ड कभी भूल ही नहीं सकते आप, समझ रहे। तो उस वर्ड के सिनोनिम एंटोनिम उस वर्ड को मतलब अच्छे तरीके से जान लें। अगर और भी अच्छे तरीके से उस वर्ड को अपने जहन में लाना चाहते हैं, तो एवरी डे यू ट्राई टू मेक अ सेंटेंस एज पर योर थॉट। जो भी थॉट आपके बनते हैं उसके बारे में आपके दिमाग में, तो उसको उस वर्ड से, जो नया वर्ड दोबे ने बताया, उन दोनों वर्ड से सेंटेंस बना लीजिए, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक अगर सेंटेंस बना के रख लिया तो चीजें बहुत समझ में आ जाएंगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, और ये भी पता चल जाएगा कि किस जगह पे कौन से वर्ड का यूज करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था। काइंडली शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ योर एक्सटेंट, यंग लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल। अगेन मैं कह रहा हूँ, अभी मैं महामना की बग्या से बात कर रहा हूँ, मैं BHU में हूँ अभी, और बहुत गौरवान्वित और खुश महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। मुझे बहुत लोगों से मिलके अच्छा लगा, बहुत नए बच्चे मतलब मुझे देखते ही खुश हो गए, और मतलब काफी अच्छा लगा मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम एक्सटेंट। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।